नमामि धन्वन्तरिमादि देवं सुरासुरैः वन्दित पाद पद्मम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा फ्री डेमो क्लास है, इसमें सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यह हमारा स्पेशल संडे का क्लास है, इसमें कोई भी आ सकता है, कहीं से भी जुड़ सकता है। और मैं डॉक्टर हरिहर सर जी हैं, वो कोई पेशेंट लेके आए हैं, उनका केस टेकिंग कर लेते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर हरिहर सर प्रणाम हाँ जी सर, सर, आप वो पेशेंट लेके अभी आए हैं, हाँ सर, ज्वाइन कराइए सर। हाँ कराता हूँ सर, आ जाते हैं पर जी, अभी हम आपको स्पॉटलाइट करते हैं, एक मिनट रुक जाइए सर। जी हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हाँ, आपका क्या तकलीफ है सर? आप सर थोड़ा उसको एक प्रेगनेंसी की तकलीफ है, मतलब क्या तकलीफ है सर? कितना वर्ष? 6 साल हुआ सर उसको अच्छा मेरे। अच्छा तो क्या रिपोर्ट्स में क्या है सर? बताता हूँ क्या इनमें रिपोर्ट कर दूँ अभी कोई लेडी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। कैसे सर। एक जी सब बताइए सर डिटेल में। रिपोर्ट आना नहीं कोई नहीं ऐसे सर। एक उसके इसका रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये बताता हूँ अभी जो उसकी दवाई चल रही है ना, हाँ उसको जो तकलीफ है वो बारंबार कहते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है मैडम, आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नहीं ना बेन, कितना अच्छा, और उम्र कितनी है? कितना अच्छा, और आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है कृपया बताइए। मुंह था इतना फरिया दी गया था। प्रेगनेंसी नहीं रहती उसको एक तो सर अभी जो दवाई चल रहे हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, हेडेस है हाँ, वो और बीच में, उसको 1 साल पहले टाइफाइड हो गया था, जो केस में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चेस्ट हाँ सर, पेन होता है, बैक पेन हो रहा है, हाँ ऑल फॉर लिम्स पेन ऐसा लिखा हुआ है सर, और वह सब 2-3 साल से वो भी चल रहा है, उसी में कुछ राहत नहीं हो रही है। तो अच्छा, इनका क्या सिम्टम क्या है सर, वो इनसे उनको पूछ। सर नींद वाली सब दवाई दी है, अच्छा, इनको नींद नहीं आता है जी? हाँ, और ब्रेन स्क्रीन किया है उसका, स्पाइनल स्क्रीन भी किया हुआ है, अच्छा उसमें कोई एविडेंस नहीं है। भूख ठीक है सर, आप इनसे पूछिए, इनको भूख लगती है क्या? लागे इस तरह, भूख लागे इस पर नॉर्मल है, मैं अपने लागे हैं 3 टाइम, टाइम ही साहब जम्मा खातर जमे हम खाऊं जो ये, इतने ऐसे अच्छा लगते हैं कि वो खाने खाए खाना खाना है तो खाती है, ऐसा लगता अच्छा पूछिए, पेट साफ होता है क्या रोज? पेट साफ रहे हम कब ज्यादा जीव के ना रहे, कभी 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 हो रही है अच्छा, और ये कितना पढ़ाई की है? सर। 7 दौरान
तो जब ये स्कूल जाती थी तो वेगा विरोध करती थी, पेट मतलब कंट्रोल करके रखती थी, मल उन्होंने वेग मूत्र वेग। वो पूछा था, पर ऐसा कुछ नहीं और बता दिया कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, इनका जो हेडेक होता है वो कैसा होता है? पित्त वाला, हाइपर एसिडिटी वाला प्रॉब्लम है कि गैस वाला प्रॉब्लम है? गैस एसिडिटी उनका ही था कोई होता ऐसा गैस नहीं। है। वो कभी कभी होता है ऐसे बोलते हैं। अच्छा, सुबह पेट एक बार में अच्छे से साफ हो जाता है इनको? हमारे संडे रेगुलर साफ साफ हो जाता है सब। अच्छा, इनको महीना कैसे आता है? मेंसेस, है मेंसेस कैसे आता है, मेंस्ट्रुएशन? मेंसेस तो 28 दिन 30 दिन ऐसे आती है और 3 दिन रहते हैं। ये शुरू कब हुआ था? शुरू का इतने साल में हुआ था, क्या एज था? वो सेवन स्टैंडर्ड में थे ना सब, तब से आ रहा है। तो रेगुलर आ रहा हाँ है क्या? तब से रेगुलर आ रहा है क्या? ठीक रेगुलर आ रहा है तब से। अब है सर, इनका सोनोग्राफी का रिपोर्ट में क्या है? पीसीओडी है क्या है? मैं बताता हूँ, किशोर डी नहीं है सर, यस डी। या कभी फॉलिकुलर स्टडी कराया है? हाँ वो मैं सब बता रहा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। उसका जो सीमेन है वो भी रेगुलर है सर। हाँ अच्छा ठीक है, नॉर्मल इनका सब चीज नॉर्मल है क्या? है, नहीं कुछ इनका पीसीओडी या वगैरह कुछ है? फाइब्रॉइड, पीसीओडी? नहीं है। फेलोपियन ट्यूब में राइट ट्यूब इज कोइल्ड ऐसा लिखा है। अच्छा, क्या ट्यूबल ब्लॉक है? ऐसा ऐसा लिखा हुआ है सर। ट्यूब इज कॉइल्ड CYLED। हाँ, क्वाइल्ड मतलब वो ओपन नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया सर। इनको ना, इनको शोधन करके उत्तर बस्ती देना पड़ेगा सर। इनको कभी टीबी वगैरह हुआ है क्या, ट्यूबरकुलोसिस? नहीं, एक थायराइड फंक्शन का है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक और प्रोटीन, हार्मोन का कुछ टेस्ट है? और दूसरा इस्ट्रोजन, हाँ प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोटीन का है, प्रोलेक्टिन प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है? 32। अच्छा सर, इनको उत्तर बस्ती करना पड़ेगा क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब जो है क्वाइल्ड है, तो हाँ जी इनको क्षार का शीशादि तेल का उत्तर बस्ती, पहले मात्र बस्ती देना पड़ेगा और उसके बाद में उससे देना पड़ेगा, तो फिर ये तभी वो ट्यूबल ब्लॉक ओपन होगा। एक दिन क्षार का हाँ शीशादि तेल, वो भी मेंसेज आने के बाद, जब वो 5 दिन तक इंटरनल लॉस ओपन रहता है तब देना पड़ेगा। वहां पे आपके उधर कोई उत्तर बस्ती देने वाले हैं क्या डॉक्टर लोग? कोई है तो नहीं सर। तो आप बात करा देंगे, ढूंढ के बता देंगे तो, या आपको देना आता है उत्तर बस्ती सर? हाँ मैंने तो दिया है सर। हाँ तो आप ही दे दीजिए ना, अभी जो महीना आएगा उसके पहले इनका शोधन वगैरह करा दीजिए, जैसे कि आप वमन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, थोड़ा सा ये करा के, और फिर मात्रा बस्ती शुरू कर दीजिए, और जो महीना आएगा उसके बाद में आपको 5 दिन तक जो इंटरनल लॉस ओपन रहता है, तो 2 ml, 3-4 ml ऐसे कुछ करके उत्तर बस्ती दे दीजिए। ट्यूबल ब्लॉक तब तक ओपन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा सॉल्व सर, वो ब्लॉक क्वाइल्ड की तरह है, तो वो हो जाएगा फिर ठीक। और एक इसमें एक दूसरा हिस्टोरिकल स्पाइनोलॉजी आइजोग्राफी। हाँ, SSG, हाँ ये तो नॉर्मल SSC। हाँ लेकिन वो राइटर राइट ट्यूबल कुछ तो कॉइल्ड है ना एक साइड का। हाँ ये वो राइट में लिखा है। हाँ तो वो ओपन हो जाएगा सर तभी, और लेफ्ट साइड में तो ओपन है ना, तो होने के चांस है ना। हाँ तो सर आप इनका पहले शोधन शुरू कर दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन, फल घृत वगैरह दे दीजिए, ग्रंथिरज फॉर्मूला, कन्या लोहाधिवटी, पुष्प धन्वारस, नष्ट पुष्पांतक रस, ऐसे सब दे दीजिए, हो जाएगा सर। एक साइड का तो ओपन है ग्रंथिरस, ट्यूब, हो जाएगा। ग्रंथिरस, इनको बोले 3-4 महीना वेट करके देखे तो हो जाएगा। कन्या लोहदी ग्रंथिरस और क्या दें दोनों? पुष्प धन्वारस, नष्ट पुष्पांतक रस, हाँ। पल्लवी मैम, आप ये केस में कुछ बोलना चाहेंगी, अगर आपने सुना है तो?
सर आप इससे पहले शुरू करिए, फिर हम आगे बताएंगे और क्या करना है। हाँ सर, और उत्तर बस्ती तो क्षार तेल, हाँ, शार का सीसा दी तेल, एक बार वो और देखे देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाला साइकिल में हम लोग कुछ ब्रिहण देंगे, शतावरी घृत हाँ देंगे, या फिर हम शीरबला का देंगे। पहले आप एक हाँ दीजिए, थोड़ा लेखन करके खोलने का कोशिश करते हैं। हाँ और सर थोड़ा मानस दोष भी लगता है ना इसमें। और 3 ही दिन आ रहे हैं ना इनको, तो थोड़ा रज अच्छा होना चाहिए, इसलिए रस पाचक रक्त पाचक ताप्या दिलो नवायस लो, ये भी बीच बीच में दीजिएगा, हाँ रस पाचक रक्त पाचक। और इन्होंने ये भी बोला कि हेडेक भी हो रहा है, दीपन पाचन हाँ मन होना बहुत जरूरी है, जो ये वो पेट। बोलते हैं पूरे शरीर में ऐसे दर्द रहता है, कभी हेड में रहता है, हाथ में, पाँव में, ऐसा बता रही है। और इसीलिए दवाई तो खाने से इसमें कोई फायदा तो नहीं है सर, वो सब नींद वाली दवाई लिखी हुई है मेरे ख्याल वो से। नींद वाली दवाई बंद करके इनको नस से दे दीजिए शीरबला तिल का, और इनका शोधन कर दीजिए। शोधन करने से सब जो वायु प्रकोपित हुआ है सब निकल जाएगा। मजा हाँ बराबर है ना सर? वहाँ बराबर है सर। शीरबला तेल का नसेदे रस रक्त पाचक ग्रंथि रज कन्या लोहाधिवती हाँ पुष्प आप, धन्वार हाँ नष्ट आम पाचक वटी भी प्रपंच देते हैं, आम पाचक वटी देना जरूरी है, क्योंकि आम बहुत है पेट में, स्त्रोतस हाँ वृद्ध है कहीं ना कहीं, इसलिए अच्छे से मेंसेज नहीं आ रहे है, 3 ही दिन आ रहे हैं। हाँ और सर इनको मेंसेज आता है तो बैक पेन वगैरह हो रहा है, डिस्मेनोरिया वगैरह पूछिए। क्या होता है सर, डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेज आता है क्या? दुखा होता है तेरे मासिक आवे तेरे? हाँ होता है। हाँ हाँ, इसलिए मात्रा बस्ती देना बहुत जरूरी है सर, सहस्रादि तेल या शीरबला का मात्रा बस्ती दीजिए, वायु का प्रकोप है सर, इसीलिए वो पूरा वातः शिरशूल हो रहा है। दीपन पाचन अनुलोमन और स्नेहन मतलब बस्ती वगैरह ये सब जरूरी है, तभी हो जाएगा। और एक साइड ही ट्यूबल ब्लॉक है ना, दूसरे साइड तो ओपन है, होने का चांस है हाँ जी। अभी इतना करिए, तिल अच्छा का क्वाथ बना के उसमें गुड़ डाल के पीने को दीजिए, वो आर्तव जनन है, तिल का क्वाथ बना के गुड़ डाल के सुबह शाम पीना है। तो बिल्कुल इतना करिए। अच्छा हाँ, हम बहुत सारा दवाई बता दूंगा तो सब नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा पहले करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आप हमें इनका अपडेट दीजिएगा कि इनका जब पेट साफ हो गया, विरेचन हो गया, तो क्या इनको इम्प्रूवमेंट लग रहा है, बॉडी का पेन कम हुआ क्या, हेडेक कम हुआ क्या, सब बताइएगा हाँ सर, जी। सर थैंक यू सर। ओके सर। हाँ, और डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं तो तारे छुट्टी दे, तारे दवा खा भी दे। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ डॉक्टर सोनिया मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अगर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए आप लोग। नमस्ते सर। अच्छा हाँ बताइए मैम, आप कुछ बताना हाँ चाहते हैं? जी हाँ जी, बस ठीक है। वो एक केस था सर, वो गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो डिस्कस करना था सर। बताइए सारा केस, बताइए डिटेल में। 10 mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर में और स्लज भी है। तो जी 5 ईयर बैक पेशेंट को ये डायग्नोज हुआ था, जी तो एट दैट टाइम द साइज वाज 7 mm। जी नाउ रिसेंटली अल्ट्रासाउंड हुआ है तो 10 mm साइज हो गया, और पेन 1-2 बार ही हुआ है उसको, और लेकिन टेबलेट से सबसाइड हो गया था पेन उसको। जी और एसिडिटी की प्रॉब्लम उसको रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है पेशेंट को। जी तो अभी फिलहाल उसका एमिपत्तिकर कामतूदा मुक्ता शुक्ति का कॉम्बिनेशन चल रहा है सर, मैं दे रही हूँ उसको, जी और साथ में त्रिफला चूर्ण अभयारिष्ट और हरड़वटी दे रखी है, और चित्रका भी ले लेती है समटाइम। तो अभी यही चित्रकादि चल रहा क्यों दे रही हैं? तो है सर। उसको मंदग्नि भी है सर, अग्निमान्य है उसको, थोड़ा चित्र सा पित्त नहीं बढ़ रहा उनको, पित्त भी बढ़ रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहे कि तो अब और चित्रकादि तो गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं देना चाहिए ना, समटाइम लेती है वो, जब उसको ज्यादा ही सम कुछ टाइम भी मतलब नहीं लेना चाहिए। आपके पास और भी दीपन पाचन वाले द्रव्य, आरोग्य वर्धिनी है, सुत शेखर रस है, हाँ वो जी सर, चित्रकादि क्यों? वो
आरोग्यवर्धन ने भी उसको सजेस्ट किया था, एक बार उसने स्टार्ट किया था, बट वो भी उसको सूट नहीं कर रहा था। दूध ऐसे नहीं, दूध का अनुपान के साथ दीजिए, दूध के साथ दीजिए, ऐसे दूध देखिए थोड़े। दूध डाइजेस्ट नहीं होता उसको, दूध से भी ना, मतलब दूध और डेयरी प्रोडक्ट उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं, मतलब इसका कफ मतलब बन उनका जाता ग्रहणी दृष्टि है, पहले तो आपको ग्रहणी दृष्टि ठीक करना पड़ेगा, और है। हाँ इसकी जी सर, कफ, आधी बट्टी देंगे तो और पित्त ग्रहणी बढ़ जाएगा मैम। यस सर, आप चित्रकादी पहले हटाइए और दूसरा आप दीजिए, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, ठीक तरह हाँ सा जी सर, जो है फल त्रिकादि क्वाथ, ऐसे देख के पहले अग्नि दीपन करिए उनका। ठीक है सर। हाँ दीपन और पाचक। वायु वायु का प्रकोप भी है सर, उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था, उसका बेबी एक्सपायर हो गया था 3 इयर्स पहले, मींस जस्ट 15 डेज ही वो जी पाया था, उसको प्रॉब्लम हो गई थी तो इंटेस्टाइन आप में। त्रिफला चूर्ण बस देंगी, पेट साफ होगा ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा स्नेह पान करा के 3 दिन या 5 दिन स्नेह पान करा के त्रिवित लेहम दीजिए, स्ट्रॉन्ग विरेचन देना पड़ेगा। ठीक है सर, स्नेह पान कौन सा दें सर? नॉर्मल घी दे दीजिए या महातिक्त घृत दे दीजिए, जो लिया जाए। महातिक्त घृत ले ठीक पाएंगी कि नहीं पता नहीं, तो दाढ़ी है मादी घृत सर, दीजिए, दाढ़ी मादी घृत दीजिए या नॉर्मल घी दे के दीपन पाचन अनुलोमन कराना है और विरेचन कराना है। डोज कितना दें घी का उसको? उनको कितना भूख लगती है, कितना डाइजेस्ट होता है मुझे नहीं पता। बहुत बहुत कम सर, वो नॉर्मल सा ही खाना अच्छा लेती है तो और आप थोड़ा ये बच्चा। घृत पान बाद में करें, पहले आप लवण भास्कर चूर्ण, शिवाचार पाचन चूर्ण या फिर दाढ़ी हाँ मास्टर चूर्ण, ऐसे पहले भूख बढ़ाइए पहले उनका। इसको हम बोलते हैं हाँ दीपन जी और ठीक पाचन। है सर। फल त्रिकादि को आप हो रहे हो, लवण भास्कर, वो लवण भास्कर तो ले रही है सर, वो बीच बीच में कभी और ले नहीं तो लेती है, लवण आसावरीश दे भास्कर। सकती हैं, जैसे झंडू पंचारिष्ट या फिर द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट। उनका पहले अग्नि बढ़ाना है, हाँ जी सर, अग्नि बढ़ा के फिर साथ में त्रिवित लेहम 2-2 चम्मच रात को दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। ठीक है सर, गर्म पानी के साथ मिक्स करके त्रिवित लेहम दे दीजिए, ऐसे 7 दिन तक दीजिए, देखिए उनको कितना रिलीफ मिलता है। फिर हम ठीक है गॉल सर। ब्लैडर स्टोन का मेन ट्रीटमेंट करेंगे। सर ये गॉल ब्लैडर स्टोन के कंटेक्स्ट में एक मैंने कोई चैनल पे देखा था कि लीवर क्लिंजिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसा भी कुछ है क्या सर? हाँ 100% फल त्रिकादि को इसलिए बताया था ना, लीवर क्लींजिंग ही करना है ना, जैसे वासा है, फिर हाँ कुट जी है, फिर हाँ सूचक जी है, हाँ जी वर्धनी वटी है, दूध के साथ देना है। आपने कहा दूध नहीं पचता, वो पचेगा, आप आरोग्य वर्धनी वटी देंगी दूध के साथ तो पचेगा। ठीक है सर, दूध के साथ। ठीक है सर, थैंक हाँ इतना, यू और सर। साथ में फिर जब भूख बढ़ जाए तो अग्नि के साथ में घी दे दीजिए, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। फिर मैं बाद में आपको मेन दवाई बताऊंगा इसका, सर, ठीक है सर, एक थैंक ही यू बार सर। सब बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, वो एकदम दे भी नहीं पाएगी थी आप मेडिसिन। इतना ठीक पहले 7 दिन करिए, फिर नेक्स्ट संडे को मैं बताऊंगा गॉल ब्लैडर का मेन दवाई। थैंक है सर, थैंक यू सर, यू। मैं सही बता रहा हूँ ना, अगर चलिए। गलत बता रहा हूँ तो क्रॉस करिए मुझे। हाँ विशाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मेरे को बहुत प्रॉब्लम है जीआरडी की, फिशर की। अच्छा आई उनको थिंक क्या क्या मेरे तकलीफ है कृपया बताइए। को जीआरडी वो उठने के बाद एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, पेट में बहुत ऐसे ब्लोटिंग होता है, मतलब होती है बाद खाना खाने के समय तक, फिर खाना खाने के बाद जीआरडी का वो रिफ्लेक्सेस आने चालू होते हैं, उसके 2 दिन बाद बहुत होते, उसके 2 दिन बाद फिर पेट में आंतों में वैसे जकड़ाहट होती है, खिंचा हुआ होता है, बाद में फिशर का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। मेरी हिस्ट्री है वो 2021 से, ये सब सर चालू आप हुआ मेरे अपना को, रात को वीडियो नींद ऑन नहीं कर आती। सकते हैं, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, हमें आपका जीभ देखना है, ठीक है प्लीज वीडियो ऑन करिए, हमें जीभ देखना है आपका, जिह्वा आपका। फेस के आगे लाइट आने दीजिए सर, फेस के आगे लाइट। सर आप डॉक्टर हैं? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो सर, बिजनेस। अच्छा जीआरडी है ना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। मैं आप कहाँ पढ़ रहे हैं सर? महाराष्ट्र बुलढाणा में। बुल्ढाना में पढ़ रहे हैं। हाँ जय विदर्भा, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भा। आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, भूख लगती है आपको?
लगती है, मतलब 2-3 सुबह खाने खाने वक्त तो, जब तक खाना खाता नहीं खाता तब तो वो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बाद में उसके 2-3 घंटे बाद भी होती है, और खाना खाया तब से वो उद्गार बाहुल्य रिफ्लेक्सेस बहुत आते हैं। कुछ चाहिए बटर वगैरह? म्यूट करिए मैम, सोनिया मैम म्यूट करिए। हाँ विशाल जी, आप जो मैं दवाई बता रहा हूँ वो आप लिखिए, पहले उसको पहले शुरू करिए, फिर देखते हैं। पहले तो आपको लेना है अविपत्तिकर चूर्ण, दो दो चम्मच सुबह शाम नॉर्मल पानी के साथ। फिर लिखिए प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पंचामृत दो दो गोली सुबह शाम गोदुग्ध भावित गुलकंद के साथ। फिर लिख दो सुबह शाम गुलकंद के साथ, गुलकंद बरोबर, गुलकंद मिलता है बाबा रामदेव का गोली पतंजलि में। ठीक ऑनलाइन मिलती है सर? हाँ ऑनलाइन में मिलेगा। फिर लिखिए कामधुधा रस, दो दो गोली सुबह शाम। और लिखिए सुरशेखर रस, दो दो गोली सुबह शाम, दाड़िम का रस या आंवले का मुरब्बा के साथ। धारण का रस मतलब सर? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपका, चेहरे पे क्या हो गया? अच्छा आप, पेट साफ होता है क्या आपका? ठीक से नहीं होता अभी, मतलब खाना खाने के बाद होता है, सुबह होता है, बाद में भी। आप त्रिवित लेहम लेके आइए, त्रिवित लेहम को 2 या 3 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ रोज ले लेने का, पेट साफ हो जाएगा। त्रिवित कौन सी गोली सर? क्या बोले? लेहम, त्रिवित लेहम। सर ये सब मिर्च भी एक जगह पर मिलेगी, एक कंपनी पर मिलेगी, मंगवा सकते हैं किधर हाँ मिल जाएगी ना, से सर? आपके उधर आयुर्वेदिक स्टोर है बुल्ढाना में सर तो नहीं मिल उधर, सकती है। उनको बोलिए ना, वो लाके देंगे आपको। इतना चार दवाई शुरू करिए सर, अविपत्तिकर को हटा के त्रिवित लेहम है ना, ठीक है, अविपत्तिकर हटा के त्रिवित लेहम रात को रोज ले लीजिए, और मुझे रोज का रोज अपडेट दीजिए। मैं यहाँ चैट बॉक्स में अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है रोज का रोज सर, अपडेट मेरे देने को का कि कैसा फील हो रहा है, नींद नहीं आती और नींद में बहुत अजीब अजीब सपने आते सर। अभी सब ठीक हो पिछले जाएगा। तो कल रात को भी 5 बजे तक नींद नहीं आई कोई बात नहीं, सब पेट साफ हो जाएगा, अच्छा रक्त बनेगा, मस्तिष्क पे अच्छा जाएगा, अभी तो आप यंग है, कितने हैंडसम है, सब ठीक हो जाएगा। इतना दवाई सर। मंगा चलो दीजिए और मुझे दवाई मिलने के बाद कॉल करिए, मैं अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है। और आप प्रॉमिस करिए कि आप ठीक हो जाएंगे तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करेंगे। हाँ सर मेरे को तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है, जब से मेरे को ये प्रॉब्लम चालू हुई उधर तब से मैंने एडमिशन लिया आयुर्वेद को, हाँ जी आर डी तो ठीक हो मैं जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा 3 महीने में, ठीक है। बहुत वेट हाँ वगैरह करता हूँ, बहुत आप सारे देखिए डॉक्टर। चैट बॉक्स में मेरा नंबर आया है, डॉक्टर अरविंद पाठक, नंबर लिख लीजिए, मुझे चैट व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, दवाई मिलने के बाद कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए, और सर वो मेरे को प्रॉब्लम भी हुआ था पिछले महीने, वो ब्रैडीकार्डिया हुआ था, टीवी फ्लैट हुई थी। वो ह्रस्व स्त्रोतस, जब दृष्टि होती है ना तो ह्रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय है, अगर रसगत आम बहुत ज्यादा है तो ब्रैडीकार्डिया होगा या टैकीकार्डिया होगा। आपका रस धातु अच्छा करना है, ग्रहणी कला अच्छा करना है, अम्ल पित्त अच्छा करना है, सब अच्छा हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे शोधन करेंगे, अग्नि बढ़ाएंगे, अग्नि बढ़ाने के लिए मैंने कोई भी कटु रस के दवाइयां नहीं दिया है, पहले मैं आपका पित्त का शमन कर रहा हूं, और ये जो सुरशेखर है प्रवाल पंचमृत यही दीपन पाचन कर देगा। खाने खाने में क्या रखूँ मतलब, आप हल्का वैसा खाना खाइए, जितना भूख है उसका हाफ खाइए, मतलब इतना खाना खाइए कि फिर और भूख लगे तो आप कहीं और जाके खा सके। बिल्कुल खाना खाने के 2-3 मिनट भर बहुत। पेट नहीं खाना, और ताक पीने का है, ताक, दही एक क्या पाउचेट 2 लीटर पानी, ताक पीना है, ताक तकर, टू फिफ्टी क्या दही 2 लीटर पानी, उसको मत के अच्छा से घुसरून ताक करायचा, त्याच्यामध्ये जिरे भाजून वाटून टाकायचा, काळा मीठ टाकायचा आणि ते प्यायचा। खाना कम खाइए, ये छाछ ज्यादा पीजिए, तकर ज्यादा पीजिए, ठीक है, ठीक है तो और बहुत जब भूख प्रॉब्लम लगे तब खाना खाना है, नहीं भूख लगे नहीं खाना है, स्किप करना है। और वो मैंने होती गुलकंद बोला है, आंवले का मुरब्बा बोला है, वो खाते रहना है, ठीक वो भी है, और मिलेगा आप क्या? 24 आवर्स में ठीक हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा।
आपको व्हाट्सएप पे मैसेज हाँ सिम्टोमेटिकली अच्छा लगेगा, फिर आपको खुशी होगा, फिर आप बताएगा, फिर मैं सब चीज के लिए बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी बहुत सारा दवाई नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ा बताया ठीक है। हाँ सर, वो हिक्की की भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, बहुत होती है कि साल में ठीक। सब ठीक हो जाएगा आपका। हाँ हाँ डॉक्टर ठीक, पल्लवी मैम आप बोल रही हैं काला मनुका, आप रात को काला मनुका भी खा सकते हैं, भिगो के रखिए। पल्लवी मैम आप बता सकते हैं तो बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं। सर सर आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बताया है, बस मुझे इतना ही कहना है कि जो सुच्छे खर्रस है वो उनको पित्त काल में दिया दिया तो बहुत अच्छा वर्क करेगा ना सर। मतलब सुबह में हाँ 10 बजे और दोपहर को 2 बजे दिया तो और ज्यादा अच्छा, उनका भूख भी लगेगा और अच्छा फायदा होगा हाँ उनको। विशाल जी आप लिख लीजिए, दिन में 10 बजे, 10 AM and 2 PM सुच्छे करस दो दो गोली। और महसूस से करके और एक हाँ सूरज जी बोलिए। हाँ बोलना था कि मतलब जब सुबह का काल रहता है तब 8 बजे, 8 या 9 बजे मतलब कफ का काल रहता है, उसमें भी मतलब पित्त का संचय रहता है, तो सुबह 8-9 बजे गोली दी और मतलब दोपहर को 12 बजे मतलब पित्त प्रकोपित स्टेट में रहता है, उस समय एक मेडिसिन दिया तो मतलब पित्त अच्छे से ठीक है, आपका बात सप्रेस। सही है। आप प्रवाल पंचामृत को 8 बजे लीजिए और 12 बजे लीजिए, सुबह बराबर है। का सुबह 8 बजे लीजिए प्रवाल पंचामृत दो गोली और 12 बजे दो गोली, तो सर चेकर कौन सी दो कंपनी बराबर। है? हाँ सर, ये कौन सी कंपनी का लेना है सर? ये आप दुबई देखिए ना वहां कौन सी कंपनी का मिलता है, तो बोलना ऐसे नहीं आप देखिए, आप कॉल करिए शॉप में जाने के बाद मैं बताऊंगा। चाहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और किसी को ऐड करना है करिए, जो भी आप लोग बोल रहे हैं सब हम इनको कर रहे हैं, सजेशन एक्सेप्टेड। सर आप इतना करिए फिर हमें बताइए, हाँ ठीक ऑल द बेस्ट, अच्छे हो जाएंगे 24 आवर्स में, अच्छे हो जाएंगे, और नेक्स्ट संडे को हम आएंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मुझे कुछ बोलना आप बोलिए सर। था सर। इनको जो परहेज है क्या क्या नहीं खाना है, पित्त जैसे हाँ अभी पित्त तेल निकाला वाला हो वो? नहीं खाना। आप क्या हॉस्टल में रहते हैं क्या विशाल जी? हाँ सर, मैं रूम हॉस्टल पे रहता हूँ, बाहर बाहर गाँव में, तो भीड़ से वहां वो का बाहर खाने के साथ है, मेस का खाना के साथ है हॉस्टल का, फॉरन अपना गरम भात चपाती भाजी में बहुत ज्यादा तीखा रहता है क्या, भाजी तीखा रहता है? रहती रहता है, तो तीखा नहीं रहता पर तूर तूर दाल दाल बंद का कर दीजिए, अरहर का दाल नहीं रहता खाना है, उसे पित्त होता है बहुत ज्यादा। पहले के जमाने में जब दाल बनाते थे ना तो ऊपर का पानी फेंक देते थे बनाते टाइम, जिसको हम हाँ। अनका बोलते थे वो फेंक देते थे, अभी वो कुकर में बनाते हैं ना तो वो सब जाता है, पित्त करता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है, तो अभी तूर दाल हाँ खाइए आप सब कुछ, लेकिन ताक भात खाइए, तक्र और चावल, ताक और थोड़ा घी डाल है क्या? चाहिए क्या तो घी भी रेगुलर खाना चाहिए क्या? घी भी रेगुलर खाना चाहिए, 3-4 चम्मच हर टाइम खाने में होना चाहिए, गाय का घी शुद्ध घी ठीक है, GRD पूरा ठीक हो जाएगा आपका। हाँ सर, और तकर भी चपाती के साथ हाँ तक्र चलेंगे ही खाने का है, घी घी भी खाना है। दूसरा आपको एक औदुम्बरा वाले ही मिलेगा, या औदुम सिरप सांडू कंपनी का, औदुम्बरा वाले या औदुम, तो खाएंगे। हाँ और या ओदुम सिरप आता है सांडू कंपनी का, वो पियेंगे ना, क्या ओदुम सिरप करके एक आता है सांडू कंपनी का, सर? वो अगर आप पियेंगे ना आपका एसिडिटी GERD सब ठीक हो जाएगा। और रात को खाना खाना है ना तो वो स्किप कर दीजिए, सूर्यास्त के पहले खाने का, क्योंकि रात को सोते हैं ओवर ईटिंग करके सोते हैं, ऊपर से रिफ्लेक्स मरता है। हाँ शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाने का है, खाना खाने के 3 4 बार बहुत प्रॉब्लम होती है पेट में। ठीक सब ठीक हो जाए, रात का खाना स्किप कर दीजिए, जो खाना है दिन भर में खा लेना है, हाँ ठीक है सर। ये आंवले कितनी मात्रा में लेना है? ठीक वो लिक्विड फॉर्म में आता है, 30 या 50 ml तक ले सकते हैं सुबह शाम, और दुम्बरा वाले बहुत अच्छा फायदा करेगा। रात को खाना नहीं खाना है, बहुत भूख लगी हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक चपाती खाने का बस रात को। सर, वो मेरी हिस्ट्री भी है सर। मैं वो बचपन में वो वेग धारण करता था, मतलब टॉयलेट को जाने के लिए रोकता था, हाँ और
नीट की प्रिपरेशन करता था लातूर में, तो वहाँ बहुत घाई घाई करता था, मतलब बहुत तेजी से खाना खाता था, इधर उधर घूमता था क्लास को जाने के लिए। और बाद में जब से कोविड चालू हुआ तब से कुछ काम नहीं था, वो नहीं था, तो मेरे अच्छे से मास्टरबेशन के लिए से रजिस्टर गई है थोड़ी बहुत, हाँ, तो मास्टरबेशन ये एक नहीं करने का है, रोज दौड़ना है सुबह उठ के, आध्यात्मिक होना है, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, मंदिर जाना है रोज, दिन में 5 मिनट के लिए मंदिर जाइए आप, वहाँ बैठ के ध्यान धारणा करिए, भगवान से अच्छा, बोलिए, माइंड ऐसा माइंड भगवान स्टेबल नहीं से कि जो हो गया रहे, हो गया, अब आगे से नहीं करना है ये सब चीजें। वो सर मतलब ठीक से चैन से नींद भी नहीं आती सर, वो बहुत नींद आएगा आती ना है सर, मतलब। पेट साफ हो जाएगा, पित्त का शमन हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी आपको। और तो आप आपको कॉल अपडेट किया? दीजिएगा, जरूर अपडेट दीजिएगा, कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है सर, कॉल करी किया तो जयमगन सर वो मेडिसिन लेते हो आज? क्या आप देखिए क्या क्या दवाई मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और ये हाँ बात ठीक, कि शुक्र धातु का जितना रक्षण करेंगे उतना आपका शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, हाँ जितना सर आप सर, शुक्र का क्षय करेंगे उतना आप बीमार पड़ेंगे। तो उधर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए सुबह जल्दी उठने का, रनिंग करना है, शाम को मंदिर जाना है, भगवान के शरण में वो जाइए। सुबह सुबह का तो बहुत एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती नहीं होगा ना अभी, ये दवाई है तो नहीं होगा अभी, ये लेक्चर के बाद ताक बना के पी लीजिए, तकर नहीं होगा, भूख लगने का वेट करिए, नहीं होगा, सब सब ठीक हो जाएगा। सर। रेडीमेड चेन्नई चलेगा क्या? वो तो मतलब डेयरी में मिलता है रेडीमेड वो, तो बहुत ठंडा रहेगा, फ्रिज का रहेगा, उससे अग्निमंद हो जाएगा। रेडीमेड भी लाए तो रूम टेम्परेचर में डाल के, चीनी डाल के, साखर डाल के पीने पीजिए, ठीक ठीक है। आप अपडेट दीजिएगा है। हाँ ठीक है सर, मेडिसिन लेने के बाद परफेक्ट जरूर, है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हम आपके साथ हैं, आप बहुत बड़े वैद्य बनने वाले हैं, चरक मुनि तो आपके जैसे ही थे पहले बचपन में, है सर ना। आपने ये जो की है बहुत बड़े मेरे को उपकार हो गए सर, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी सर, आपने मेरी हाँ बात सुन ली, इसलिए हाँ यही बहुत बात सब अच्छा हो है जाएगा सर। आपका, आप बहुत ही ठीक है इंटेलिजेंट इंसान हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको बहुत अच्छा करना है, हम आपको पढ़ाएंगे भी, आपको टीका वचन भी कराएंगे, सर, आयुर्वेद भी सिखाएंगे, आप इतना फॉलो करिए, शरीर से स्वस्थ हो जाइए, फिर सब अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने आयुर्वेद को एडमिशन लिया है सर, और आज तो कुछ रिजल्ट। आएगा आएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम आपको। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं करिए। आशीष कुमार जैन साहब, आपको कुछ बोलना है इस बारे में, स्टूडेंट लाइफ में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों को, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, GERD, एसिडिटी बहुत रहता है, उसके लिए आपका क्या विचार है आशीष जी? हेलो हेलो आज सर, बोलिए। मैं मतलब हमारे एग्जाम थे ना अभी थर्ड ईयर के, तो हाँ मतलब जागरण बहुत होता था, मतलब 2:30-3 बजे तक जागता था मैं, और सुबह 6-6:30 बजे उठता था। तो उससे मतलब पहला रूटीन कैसा था, मतलब 10 बजे सोता था और 4-5 बजे उठ जाता था पहले, मतलब कंटिन्यू। और जी एग्जाम के पीरियड में मतलब अचानक से पूरा टाइम टेबल बदल गया था ना, तो उस समय मेरे को भी बहुत पित्त होता था। तो सर मैं ढाई ढाई और तीन तीन चमचा मतलब घृत लेता था, उससे मतलब मेरा पित्त शांत हो जाता था। जी तो ऐसा पढ़ाई क्यों करना है कि रात को 2:30 बजे पढ़ना पड़े, सुबह उठ के पढ़िए ना 4 बजे। सर सभी तब स्टूडेंट जागरण करते तो उनके साथ ही पढ़ाई अच्छे से होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो कोशिश करें जागरण ना करना पड़े और सुबह जल्दी उठ के पढ़े, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, सुबह पढ़ना चाहिए। सर जनरली मतलब है ना, साल के मतलब 12 महीने में से 9 या 8 महीने तो जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, सिर्फ एग्जाम के पीरियड में 2 महीना ये टाइम टेबल पूरा हिल जाता है। अच्छा, आप ये सूरज जी बताइए, आपको आयुर्वेद में आने के बाद कैसा फील हो रहा है पर्सनली? सर आयुर्वेद में आने के बाद पर्सनली सर अच्छा फील हो रहा है, और मैंने मतलब बहुत से पेशेंट ऐसे देखे जो मतलब एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेके भी सेटिस्फाई नहीं थे, और मेरा मतलब ऐसा सिर्फ ये सोच थी कि जो अपनी पैथी है उससे कुछ मतलब देख लूँ हमारी पैथी कैसे है, इस हिसाब से मतलब मैं 1-2 महीने के लिए मतलब समय दे रहा था आयुर्वेद को।
मैंने खुद के भी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस किए, और सर मतलब बहुत मेरी हेल्थ में भी मेरे को मतलब अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। पहले थोड़े कॉन्स्टिपेशन फ्लैटुलेंस के मतलब थे प्रॉब्लम, पर अभी मैं दिनचर्या का ऋतुचर्या का मतलब अच्छे से पालन करता हूँ, पथ्य का पालन करता हूँ, तो मेरे शरीर में भी मेरे को मतलब बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं अभी। तो आप अब मानते हैं कि आयुर्वेद आयु का वेद है, आयु का वेद है, आयुष वेद। हाँ सर, मतलब बाकी की पैथी मतलब एलोपैथी में मैं तो देखते हैं कि 2 मिनट में सब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके मतलब पेशेंट को बाहर भेजते हैं, पर अपने आयुर्वेदा में ऐसा नहीं रहता कि डिटेल में के हिस्ट्री ली जाती है और उसके मतलब हेतु को सुधारा जाता है, और डिसीज ना हो इसके लिए भी मतलब बहुत से उपाय हमारे ग्रंथों में स्वास्थ्य मेंशन किए। परिमोक्षणम च आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग चिकित्सा करते हैं और विकार प्रशमन के लिए भी। अच्छा अच्छा सूरज सर, जी, आप ये बताइए कि आप एलोपैथी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ मतलब यूट्यूब से पढ़ता हूँ, और है मेरे हाँ, पास थोड़े बुक्स। आपको एलोपैथी भी पूरा आना चाहिए, रिपोर्ट्स पढ़ते हुए आना चाहिए, और आयुर्वेद का चिकित्सा करना है लेकिन एलोपैथी भी आना चाहिए आपको। हाँ सर, वो चालू रहता है मतलब यूट्यूब से या बुक से, हाँ अभी बराबर, हाँ पढ़ता हूँ मैं थोड़ा। सही है, ठीक है। आज के जमाने के हिसाब से चलना है, आज का जमाना है कि आपको लैपटॉप और मोबाइल यूज करना ही करना है, तो एलोपैथी का भी सारा रिपोर्ट पढ़ते हुए आना चाहिए। भले आप आयुर्वेद का संप्राप्ति लगाइए, हेतु बंद कराइए, आयुर्वेद की चिकित्सा करिए, लेकिन अगर आपको रिपोर्ट्स में रिजल्ट नहीं देंगे तो पेशेंट कैसे आपके पास टिकेंगे? उधर उसके हिसाब से भी हमें पैरेलल चलना पड़ता है। हाँ सर, हेलो हाँ सर, सर, विशाल जी मैं बोलिए। एक चीज और बताना चाहूंगा सर। वो मेरे को पहले मतलब तो ऐसे चालू हुआ था 2021 में कि मेरे को खाना खाना नहीं आना आता था। तब एक दो दिन हो गए मैं वेट किया, डॉक्टर लोकल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन दी, उससे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने उन्होंने बताया मेरे को ब्लैक स्टूल हुआ, उन्होंने बताया एंडोस्कोपी करा, वो उधर से जीआरडी चालू हुआ। उधर से मैं जीआरडी करने के बाद थोड़ा बहुत खाना खाने आता था, बहुत डकार वगैरह था, बहुत दिक्कत होती थी, 1 घंटा लगता था। और बाद में मैं उसके 8 दिन बाद में वो फाइल्स से प्रॉब्लम चालू हुई, ब्लीडिंग फाइल्स हो गया, तभी थोड़ी बहुत मेडिसिन दी, उसके बाद से प्रॉब्लम चालू हुई। पर सिर्फ 2 3 बार ऐसा हुआ कि फाइल्स इंटरनल फाइल्स बहुत तकलीफ हुई। अभी फिशर की हो रही है सर, फिलहाल फिशर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर आपका फिशर का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि खाने में तक्र लीजिए, ताक लीजिए और घी लीजिए। सर लेता हूँ मैं अभी चक्कर लेता हूँ तो बहुत दिनों से, पर ज्यादा मतलब मैंने हाँ 2.5 लीटर तक बोला, पूरा दिन भर में 2.5 लीटर, 2.5 लीटर पे चाहे, और घी घी खाइए, सब पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। हाँ ठीक है मैं सर, एक ही बार बहुत सारा दवाई नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ स्टेप ठीक है, आप पहले ये शुरू करिए, फिर मुझे रोज कॉल करिए, फिर मैं आपको फिशर भी ठीक कर दूंगा, इंटरनल फाइल्स भी ठीक कर दूंगा, सब बताऊंगा। सर शाम को कॉल किया तो चलेगा ना उनको? हाँ जरूर, आप कभी भी करना चाहे करिए, अगर मैं फोन नहीं उठा पाया, लेक्चर में रहा, तो मैं बाद में खुद कॉल करूंगा। थैंक ठीक है सर, थैंक यू सर। यू। और आपको ठीक होना है, स्वस्थ होना है, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप आयुर्वेद के बुक्स लिख सकते हैं ना। आचार्य चरक तो आपके जैसे ही थे बचपन में, उन्होंने पूरा चरक संहिता लिखा है, आपको भी लिखने हैं वो सारे ग्रंथ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप, मेरे को ठीक करो, यही बहुत बड़े आप तो करोगे सर मेरे ऊपर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ आशीष कुमार जैन साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको आयुर्वेद में आने के बाद कैसा लगा? आशीष कुमार जैन जी पहले इंजीनियरिंग किए हैं शायद, आप तक मेरी आवाज जा रही है क्या? शायद नहीं जा रही है। कोई और बोलना चाहते हैं बोलिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। डॉक्टर अश्विनी मैम कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। आप लोग स्नेहा मैम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। यहाँ पर विष्णु जी, डॉक्टर मनोज जी कुछ बोलना है बोलिए। हाँ हेलो सर, जी मतलब जलौका का पूछना था कि जी रक्तमोक्षण के लिए जब हम जलौका यूज करते हैं, तो हाँ मतलब वाग्भट में लिखा है कि मतलब उधर खुजली हो जाए या मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा हो, तो समझ ले कि मतलब अशुद्ध रक्त तो उसने चूस लिया है, और मतलब शुद्ध रक्त भी अभी वो चूस रही है, तब उसे मतलब निकालना चाहिए। तो सर ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करेगा ना, मतलब उसमें हाँ कितना अशुद्ध रक्त रहेगा वो। और दूसरा बात है कि ज्यादातर जलौका खुद ही छोड़ देती है, हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद खुद ही छोड़ देती है। अगर उसको निकालना है तो हल्दी डाल दीजिए, वो खुद छोड़ देगी। हाँ सर,
और कुछ बोलना है अभय सर? आपको कैसा फील हो रहा है दवाई खाने के बाद? कुछ बताना है तो बताइए। सर डे अच्छा लग रहा है, मेरे को मतलब भूख बहुत लगती है, 3 से 4 के बीच में बहुत भूख लगती है। अग्नि अग्नि बढ़ा सर आपका बढ़ा तो सर है, भूख इतनी लगती है क्या मेरे को, कुछ इतना तकलीफ हो जाता है कि फिर मेरे को लगता है फिर शुगर की टैबलेट अभी मेंटेन करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है उससे। सर असली में शुगर के नहीं करना पड़ेगा, वो मेरा आम हाँ पाचपटी है। आप कितना 10-10 खाते हैं ना, हाँ 10-10 खाता हूँ। वो आपका शरीर में इतना अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, धातु अग्नि भूताग्नि को प्रदीप्त कर देगा कि आपका जो ब्लॉकेज है हार्ट में वो सारा ब्लॉकेज आप देखेंगे तो एक भी ब्लॉकेज नहीं रहेगा, सारा पच जाएगा, पूरा डाइजेस्ट, सारी रक्त वाहिनियां शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए आपको जब भी भूख लगती है तो आप तकर पीजिए या दूध पीजिए। हाँ वही करता हूँ। हाँ लेकिन जो चल रहा है ना सर चलने दीजिए, और शुगर कम नहीं अच्छा होगा आपको, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा उद्देश्य ये था कि आपका धात्वग्नि और भूताग्नि को अच्छा करूं, जाठराग्नि तो अच्छा हो रहा है, मेरे को जब शुगर कम होता है वैसा स्वेटिंग वीटिंग सब चालू हो जाता है उसमें। तो इसीलिए पेट में कुछ डालिए ना सर, वो स्टेज मत आने दीजिए। आप भरपेट तक पी लीजिए या दाढ़ी में हाँ बस पी लीजिए, आपको शुगर का प्रॉब्लम है ना, हाँ इससे शुगर बढ़ेगा। अच्छा तो आप ये ताक पीजिए ना सर, तक्र पीजिए, दूध पीजिए बिना शुगर का। चलेगा सर। हाँ और नहीं सर मैं आप वो तो आधा लीटर तो ये दोपहर में पे ही लेता हूँ मैं कम से कम। उसको और बढ़े 2.5 लीटर तक दिन भर में पीना है, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है ना। तो सर हाँ आप ओवरऑल कितना परसेंट ठीक लग रहे हैं आपको? अभी सर 30% तक तो गया हूँ। कितना कितना दिन का दस ट्रीटमेंट शुरू, कितना दिन में हुआ है दस 10-12 दिन हुआ है अभी, दस आपका? बारह हाँ दिन तो, हुआ हाँ तो दवाई अच्छा है ना आपके बॉडी को सूट कर रहा है मेरा दवाई। सूट कर रहे। मैंने आपको क्या क्या दवाई दिया मैं बता देता हूँ। मैंने आपको आम पाचक वटी दिया है 10-10 गुली सुबह शाम, फिर मैंने आपको रस पाचक, वो पहचाना मैंने, वो उतना एक पहचाना था। हाँ फिर मैंने हाँ आपको अच्छा रस पाचक दिया है, रक्त पाचक दिया है, आरोग्य वर्धिनी वटी दिया है, लहसुन आदि वटी दिया है ना। और कुछ हृदय को बल देने, हाँ हृदय अर्णव रस, नागार्जुनाभ रस, ऐसे कुछ कुछ दिया है, हो जाएगा पूरा। अच्छा और वो विरेचन वट अच्छा है कि विरेचन होके पेट साफ हो जाए, पूरा कोष्ठ शुद्धि हो जाए। ठीक है थैंक यू। सर घी और नस ज्यादा का 2 चम्मच के ऊपर खाए तो मोशन में तुरंत चालू हो जाता है, अच्छा, ऐसा हो क्या जाता है। क्या क्या लिए फिर से बताइए, क्या लिए? वो घी लिया था मैंने 100 ml उस दिन भी, तो हाँ 2-3 घंटे के बाद फिर घी जैसा ही फिर स्टूल पास होना शुरू तो हो उसको जाता है। थोड़ा कम फिर करिए। कृष्ण विरेचन लिया था वो आपने दिया, वो हाँ 50 ml मैंने पहले लिया था, फिर 3 घंटे बाद भी लिया तो भी दोनों टाइम। सर आप घी तो लेते ही इसीलिए रहिए, 50 ml तक लेते रहिए, एक नैवेद्य की वाटी होती है अच्छा ना, उतना घी तो दिन भर में जाना चाहिए। हाँ वो तो जाता है डेली, सुबह मैं लेता हूँ 2 चम्मच यानी 15 ml तो आप बोले थे उतना हाँ तो चालू है अभी। हाँ और सर आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं ना कि पूरे महाराष्ट्र का रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए आपको, महाराष्ट्र रत्न, वैद्य रत्न। अरे इतने बढ़िया डॉक्टर हैं आप, आपने इतना सेवा किया है, रोगियों को ठीक किया है, एमरजेंसी में ठीक किया है, तो हमारा फर्ज है हम आपको ठीक करेंगे, फिर आप और पेशेंट ठीक करेंगे। ठीक है सर, चलेगा सर अपडेट थैंक यू। दीजिएगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तब भी झगड़ा करिए मेरे से कि कैसा नहीं लग भाई रहा। सर जो सही है वो भी बताऊंगा हाँ सर थैंक यू सर ठीक थैंक यू। और सर नस से ले रहे हैं शीर वाला तिल का? है। नहीं सर वो आपने नहीं बोला था ना मेरे को। अच्छा, मैं भेज दूंगा बाद में। ठीक है थैंक यू। चलेगा हाँ सर थैंक थैंक यू। हाँ और यू कोई कुछ बोलना थैंक। चाहते हैं बोलिए, डॉक्टर गणेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई केस के बारे में पूछना है, तनिका मैम, किसी को कुछ बोलना है, आशीष कुमार जैन जी? सर हाँ जी सर, सर वो गॉल स्टोन का एक बार वो बता दीजिए, दो तीन
मतलब जैन साधु ही हैं, साधु हैं, उनको एक को 18 mm का है, एक को 22 mm का है, एक को 10 mm का है, ऐसे 3-4 साधु हैं गॉल स्टोन के, वो एक ही बार भोजन। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग करके आए हैं ना, BMS करने, जी सर, तो आप क्यों आए इंजीनियरिंग करके आयुर्वेद में, क्या मतलब ये क्या लॉजिक है? सर हमारे, मैं 12 साल दिल्ली में था IBM में, आपने सुना हो, सॉफ्टवेयर कंपनी है, हाँ तो मेरे गुरुजी हैं जो, हम लोग ब्रह्मचारी हैं एक्चुअली, तो हमारे गुरुजी की भावना थी कि पूरे भारत भर में ये जो दूसरी पैथी है ये केमिकल जहर खिला रहे हैं और लूट भी रहे हैं भारतीय लोगों को, तो गुरुजी की भावना थी कि आयुर्वेद से जन जन तक हम सही चिकित्सा पहुंचाएं, जो हमारी करोड़ों वर्ष प्राचीन पद्धति है, जी तो उस पद्धति को पहुंचाने के लिए जन जन तक आचार्य जी ने कहा कि तो हम लोग कुछ, हम लोग, हम में से IITians भी हैं, सब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में से हम लोगों ने, 10 लोगों ने करीब छोड़ा उसको, और फिर हमने नीट का एग्जाम दिया था 2021 में, तो मेरी MB में रैंक 99% था मेरे नीट में, और मुझे ये सब कुछ मिल रहा था, MBBS, एम्स वगैरह भी मिल रहे थे, MBBS कोई कोई एम्स भी मिल रहा था, 19 एम्स में से, और भारत के सारे टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे मुझे MBBS में भी, लेकिन आचार्य जी सिंह ने आयुर्वेद ही करना ही था, आयुर्वेद में भी मुझे भारत के BHU, NIA और जितने भी टॉप कॉलेज थे सारे मिल रहे थे, लेकिन फिर जबलपुर में हमारे एक पूर्णायु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स का है, वो बॉयज वाला खुलने वाला है, तो आचार्य सिंह ने बोला कि ये आपको देखना है साथ में, ये सब सीख करके और पूरे भारत भर में आयुर्वेद को फैलाना है, बहुत बढ़िया। तो तो सर आपका बस एज कितना है, एक्चुअल एज? मेरा एज सर अभी 38 का हो जाऊंगा मैं मई में, 37.5 है अभी। तो आप ये एज में BMS में एडमिशन लिए हैं, वाह सच अब में। मुझे सर 2 साल हो गई है, कंप्लीट हो गई 2 साल, थर्ड ईयर में हूँ मैं अभी। तब भी आप मतलब 35 साल के एज में BMS में एडमिशन लिए इंजीनियरिंग करने? हाँ जी जी सर, हमारे साथ सर कुछ IITians भी हैं जो मतलब करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़ के उन्होंने BMS करके और एडमिशन लिया है, हम लोग करीब 10-1 लोग हैं, 10-12 लोग हैं। तो सर आप आयुर्वेद में आएंगे तो आप तो पूरा आयुर्वेद को झंडा गाड़ देंगे पूरी दुनिया में, सच जी में। सर, मैं उसमें था, मैं IBM में था, 170 कंट्रीज में उसका बिजनेस होता था, मैं उसमें मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया जिसमें फॉरेन से मेरे खूब इंटरेक्शन होते थे उसमें, तो बहुत बढ़िया। मतलब हमें ये सारा मैनेजमेंट तो सब कुछ आता है, बस हमें ये तो शायद जो आपके आयुर्वेद गुरु को जन जन तक लोगों फैलाना है, ये ने गुरु जी की भावना थी। आपको सही चुना है कि आप आयुर्वेद के लिए कुछ काम कर सकते हैं, देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि जी सर, बस आप IITians हैं और इतने इंजीनियर हैं, इतने टॉप क्लास, तो उनको आयुर्वेद में भेजा गया है, तो कुछ तो अच्छा उद्देश्य है। जी सर, सर बस वही यही उद्देश्य है हमारा कि हम, और हम लोग ब्रह्मचारी हैं, तो हम लोग कोई हमारा फीस कंसल्टेशन नहीं रहता है, हम मतलब अभी तक हम 60 मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं, 1-1 हजार लोग आ चुके हैं उसमें, और फ्री सारे, हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते, हमारा सब सिर्फ सेवा का प्रकल्प है ये, जी बहुत हमारा बढ़िया। जो आगे की प्रैक्टिस भी हमारी रहेगी उसमें फ्री ऑफ चार्ज रहेगी सारी प्रैक्टिस, और दवाई का खर्चा? दवाई का बस, पेशेंट का जो दवाई का रहेगा, हमारी पर्सनल कंसल्टेशन और हमारा पर्सनल वो दवाई का, तो ऐसा है कि ये जो मतलब हम तो जैसे जगह जगह जहां जहां जाएंगे तो बता देंगे फ्री में, जहां पर कैंप लेंगे जो भी करेंगे, बाकी पेशेंट को पर्चा लिख देंगे वो जहां से लेना चाहे, या जो कंपनी अच्छी बनाती है उसको रिकमेंड कर देंगे कि ले लो। जी सही है। तो सर आयुर्वेद में कोई भी एक फॉर्मूला नहीं होता है गॉल ब्लैडर का, आप ना हर पेशेंट का एक बार केस टेकिंग करिए, आपके पास केस शीट होगा, तो है सर, केस टेकिंग मैं कर चुका हूँ सर, बताइए ना आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैं हर केस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसी का प्रकृति पित्त होता है, किसी का कफ होता है, किसी का बात होता है, तो हर पेशेंट में अलग अलग दवाइयां रहती है, एक ही फॉर्मूला में बताऊंगा तो सबको थोड़ी ना वो काम करेंगे। जी ठीक है आप सर। ग्रुप में उसमें डाल, जैसे जो जो उनका जो हिस्ट्री लिया था, तो वो ये एक्चुअली साधु हैं, तो एक ही बार पानी पीना आदि होता है उनका, और हाँ उनको कितना बजे कोई सोते हैं, जो कितना बजे उठते हैं, उनकी प्रकृति क्या है सर इसमें? उनकी हाँ सभी की प्रकृति सर मतलब मेनली तो पित्तज है, मतलब पित्त डोमिनेंट है और कफ सेकेंडरी है, और वात तो उनको इसलिए बढ़ जाता है कि पैदल आदि चलना, जो 100 किलोमीटर कभी 200 किलोमीटर ऐसे रोज 20-20 किलोमीटर करके चलते हैं, बिहार आदि जो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाते हैं, तो उससे वात वायु आदि बढ़ जाता है। तो हर पेशेंट को आपको बस्ती देना जरूरी है, मात्रा बस्ती शीर बला तेल का, शीर वाला तेल हाँ जी वो भी अगर 101 आवर्ती वाला देंगे तो ज्यादा फायदा करेगा।
पचास जी सर, पचास एम एल या 100 100 ML दे दीजिए। जी एक ये हो गया, और पैरों जी में तेल लगाना, अभ्यंग करना पैरों में, क्योंकि जी वो ज्यादा चलते हैं तो वायु का प्रकोप होता है जल गुण से, है ना। जी दूसरा घृत पान कराइए उनको, थोड़ा थोड़ा दो दो चम्मच। फिर पित्त शामक द्रव्य जैसे प्रवाल पंचामृत, सुशेखर रस, कामदूधा रस, इसमें से चूज करिए। जी और पित्तज ग्रहणी का यही सब करते हैं तो ठीक हो जाता है सर। अब गॉल ब्लैडर के हर मेरे को रिपोर्ट भेजिए तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। सर, उसमें जैसे एक जो साधु है उनको 22 mm का है, मतलब पूरा गॉल ब्लैडर के अंदर भरा हुआ है हो बाईस जाएगा, एम एम ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मुझे वो पेशेंट का फोटो तो भेज सकते हैं ना। हाँ वो मैं भेज देता हूँ। और सर उसमें ये ताम्र भस्म और मंडूर भस्म ये भी काम आप करती है ये क्या? सब दे सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को अगर ताम्र भस्म देंगे तो उल्टी भी आ सकता है, नौशिया हो सकता है, इसलिए जी हमें, जी इसीलिए पेशेंट टू पेशेंट हर दवाई अलग अलग रहता है। और सर आंवले का चूर्ण या आंवले की पत्तियों का पाउडर हाँ ये भी कुछ काम करता है हाँ इसमें? पित्त शामक हर दवाई काम करता है, दाढ़ी में काम करता है, आंवला काम करता है, किरातिक्त, फिर कुटकी, वासा, कालमेघ, है ना, ये सारे काम करते हैं, मुस्ता जी करता है। आप पेशेंट टू पेशेंट करेंगे तो ज्यादा चलेगा। ये जी वैद्य रमेश रमेंद्र प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं कि इनका कांटेक्ट नंबर ग्रुप में डाल दीजिए स्वामी जी का। स्वामी जी आप, आपके बहुत सारे भक्त बन गए यहाँ पर, आप कृपया ग्रुप में अपना डाल दीजिए, लोग आपसे बहुत प्रभावित हो गए हैं। अच्छा, किसका? मेरा नंबर हाँ लोग आपसे जी। मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप कौन है, आपके भक्त हो गए हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा कि आप इंजीनियरिंग करके आए हैं, जॉब छोड़ के आए, BMS कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब जी सर, बस आपकी हेल्प चाहिए ताकि भारत भर में आयुर्वेद को फैला सकें। तो आपके साथ में ही है। सर हमारे जो पुणे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स का है, बॉयज का भी खुलने वाला है, तो 100 सीट्स के हैं दोनों, तो हम आप उसी मेरा ट्रस्ट पर पढ़ाएंगे। लेक्चर अरेंज करा दीजिए 1 हफ्ते का या 10 दिन का, मैं उधर सर आके पूरा आयुर्वेद हम पढ़ाऊंगा। लोग ये चाह रहे थे कि आप जैसी फैकल्टी आए, मतलब संहिता की यहाँ पर परमानेंट हो, तो कितना अच्छा रहेगा। जरूर मैं आ जाऊंगा, चलिए मैं आपको चरक संहिता पढ़ाऊंगा रोज, जो पढ़ना है जी टीका वचन सब। आप कॉलेज के प्रिंसिपल को बोलिए कि मेरे को जॉब देंगे क्या, मेरा हंड्रेड PhD। परसेंट सर, ये तो मैनेजमेंट सर, हम लोग ट्रस्ट कमेटी में ही हैं यहाँ चलिए पर। मुझे आप नौकरी पे रख लीजिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर, लेकिन कंफर्म बोलिए, हम लोग तो रख लेंगे। जी ये देखिए रमेंद्र प्रताप जी, इन्होंने नंबर दे दिया अपना, आशीष कुमार जैन जी का, चैट बॉक्स में है। चलिए अभी 1 घंटा हो गया है, हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं, हम अब शाम को 7 बजे मिलेंगे। जिनको MD का रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना है, शाम को 7 बजे जुड़िएगा आयुष दर्पण का, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जूम पे भी देख सकते हैं। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं।